मेरी मंथली अर्निंग $800 और मिनिमम $600 है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे सबसे पहले अर्निंग 30,000 आई थी। US का क्लाइंट था, जस्ट उसने मेरे से प्रोडक्ट रिसर्च करवाई थी और थोड़ा सा नॉलेज लिया था कि किस तरह हम प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद मुझे फिर फेसबुक से क्लाइंट मिलना शुरू हो गया क्योंकि मेरी फाइवर पे गिग्स नहीं थी इसकी। फिर बाद में मैंने उसी अपनी प्रोफाइल पे, लेवल 2 की सेलर थी, मैंने उसी पे गिग बना ली अपनी अमेज़ॉन की और वही उस पे ऑर्डर्स लिए। तो अब मेरी गिग फर्स्ट पेज पे अल्हम्दुलिल्लाह रैंक है। 4 क्लाइंट मेरे फाइवर पे हैं जिनके साथ मैं वर्क कर रही हूँ, US और UK के क्लाइंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा तारिक है, मैं सियालकोट से बिलोंग करती हूँ और अब इस टाइम मैं अमेज़ॉन पे प्राइवेट लेबल की सर्विसेज दे रही हूँ। और मैंने अनेबलर से तकरीबन 3 साल पहले 2020 के लास्ट पे मैंने इनरोल किया था वर्चुअल असिस्टेंट में। देन उसके बाद मुझे फील हुआ कि अभी मैं कुछ कवर नहीं कर पा रही और मुझे कोई क्लाइंट भी नहीं था मिला। मैंने कोशिश की लेकिन क्लाइंट नहीं मिला। फिर मैंने FBA मास्टरी में इनरोल किया। उसके बाद फिर भी अनेबलर ने एक और अपॉर्चुनिटी दी, फिर भी अगर आपको कोई वीकनेस है, आपको लगता है कि आप कुछ कवर करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आपको क्लाइंट मिलना शुरू होते हैं काफ़ी पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बाद में आपको पता चलता है। ड्यूरिंग ये लेक्चर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं माइंड में आते क्योंकि आपके पास तब क्लाइंट नहीं होते। फिर अनेबलर को ये फ़ायदा इन्होंने हमें दिया कि आप दोबारा इनरोल कर सकते हैं विदाउट एनी पे। मैंने कोई भी फ़ी पे नहीं की और मैंने दोबारा इनरोल किया। मैंने FBA मास्टरी का दोबारा कोर्स किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे क्लाइंट मिलना शुरू हो गए थे। मेंटोर की अगर बात की जाए, उनकी काफ़ी सपोर्ट होती है। अगर आप ऑनलाइन भी कोर्स कर रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं और कहते तो ये आपको 1 ईयर की सपोर्ट होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेंटोर अभी तक मुझे सपोर्ट करते हैं। मैंने जब भी उन्हें मैसेज किया है वो रिप्लाई करते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो वो क्लियर कर देते हैं। सीनियर्स में है एक पेशावर से हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है और इसके अलावा पेशावर के भी मेंटोर हैं, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके जो मेंटोर हैं आपकी वो ही हेल्प करेंगे। आप फेसबुक पे भी काफ़ी ग्रुप्स बने हुए हैं एनेबलर्स के, आप कोई भी पोस्ट करें सीनियर्स आपकी गाइड करेंगे। मेंटोर भी अगर टैग करते हैं तो मेंटोर भी आपको फ़ौरन क्विक रिप्लाई करते हैं और आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। मुश्किल ये है कि हम यही सोचते हैं कि अभी हम कोर्स कर रहे हैं हमें क्लाइंट मिलना शुरू हो जाता है, क्लाइंट फ़ौरन नहीं मिलते। लक पे भी डिपेंड करता है, मिल भी जाते हैं वो आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें किस तरह कोशिश करते हैं कि वो आपकी आपको हायर कर लें, आपकी स्किल्स से इम्प्रेस हो जाएँ। ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। हम मेंटोर्स को इस पे नहीं कह सकते कि आपकी वजह से हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे। स्टूडेंट को खुद चाहिए वो एफर्ट करे, जब क्लासेस ले ले, यूट्यूब से फिर डिफरेंट नॉलेज गेन करे और फेसबुक से आप क्लाइंट ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइवर पे सर्विसेज दे के, अपवर्क, फाइवर, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, इधर आप प्रोफाइल बनाए और अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इससे पहले मैं 2019 से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रही थी फाइवर पे, उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो फिर मुझे मेरे भाई ने ही गाइड किया कि आप ई कॉमर्स की फील्ड में आए, तो मैंने फेसबुक पे सर्च किया, 2-3 इंस्टीट्यूट मुझे शो हुए, तो अनेबलर ने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया और मुझे फ़ौरन एडमिशन मिल गया और टाइम मेरा वेस्ट नहीं हुआ और मैंने एडमिशन ले लिया। मुझे तकरीबन ये ऑनलाइन अर्निंग में तो 4 साल हो गए हैं। इससे पहले मैंने MBA किया था, बैंकिंग सेक्टर में मैं जाना चाह रही थी, लेकिन आपको आइडिया होगा कि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी टफ़ टाइम लिया जाता है और पे काम किया जाता है। तो फिर मैं खुद ही घर ही बैठ के YouTube से हेल्प लेके फाइवर ज्वाइन किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और प्रेजेंटेशन की सर्विसेज दे रही थी। उसमें कंपटीशन भी कम था और रेट भी बहुत ज़्यादा कम था। फिर ई कॉमर्स फील्ड में आई, ऑलमोस्ट 2 ईयर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1 ईयर से मैं अर्निंग मेरी स्टार्ट है। और आप भी कोशिश करें कि जब भी आप कोर्स साइन करें साथ ही कोई प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर वगैरह ज्वाइन कर लें और नॉलेज गेन करें, फिर ही आपको साथ फ़ौरन कोई हो जाएगी हेल्प। अदरवाइज़ आप वेट करते रहेंगे कि पहले मैं सीख लूँ, फिर देखूंगा, इस तरह फिर कुछ भी नहीं होता। मेरी मंथली अर्निंग $800 और मिनिमम $600 है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे सबसे पहले अर्निंग 30,000 आई थी। US का क्लाइंट था, जस्ट उसने मेरे से प्रोडक्ट रिसर्च करवाई थी और थोड़ा सा नॉलेज लिया था कि किस तरह हम प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद मुझे फिर फेसबुक से क्लाइंट मिलना शुरू हो गया क्योंकि मेरी फाइवर पे गिग्स नहीं थी इसकी, अमेज़ॉन की। फिर बाद में मैंने उसी अपनी प्रोफाइल पे, लेवल 2 की सेलर थी, मैंने उसी पे गिग बना ली अपनी अमेज़ॉन की और वही उस पे ऑर्डर्स लिए। तो अब मेरी गिग फर्स्ट पेज पे अल्हम्दुलिल्लाह रैंक है और 4 क्लाइंट मेरे फाइवर पे हैं जिनके साथ मैं वर्क कर रही हूँ, US और UK के क्लाइंट हैं। और इंडिविजुअली मैं काम करी जितना मैं बस हैंडल कर सकती मैं उतने ही क्लाइंट लेती हूँ, क्योंकि जब आप ज़्यादा क्लाइंट ले लें, अगर आपके साथ टीम वर्क नहीं है तो फिर आप हैंडल नहीं कर पाते और क्लाइंट की भी इन्वेस्टमेंट होती है तो उनको लॉस होता है।
तो या फिर आप कोशिश करेंगे टीम वर्क में आप काम कर लें। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट प्लान है कि मैं कोई 3-4 मेंबर्स फाइंड कर लूं और उनके साथ काम करूं और ज़्यादा फिर क्लाइंट फाइंड करूं। मेरी 4 मंथ से ये अर्निंग है। उससे पहले मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग और प्रेजेंटेशन मेकिंग पे काम कर रही थी और ये लर्निंग पे ही अमेज़ॉन की फील्ड पे। अमेज़ॉन का ये था कभी कभी कोई क्लाइंट मिल गया, डिफरेंट सर्विसेज दे दी जस्ट, और साथ में सीख रही थी क्योंकि फ़ौरन आप नहीं सीख सकते, काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है। गिव अप नहीं किया, लेकिन ये सोचती थी कि अभी कुछ आ नहीं रहा, कुछ और कर लेते हैं या सीख लेते हैं और, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की ही मिस्टेक होती है, मेंटोर की कोई मिस्टेक नहीं होती। पिक तो स्टूडेंट नहीं करना होता है, मेंटोर ने तो जस्ट आपको गाइड करना होता है। फ्यूचर गोल्स यही हैं कि अभी मतलब 4 क्लाइंट हैं, इससे ज़्यादा क्लाइंट हो जाएं, फिर इंशाल्लाह आफ्टर 1 ईयर मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूं इटली मार्केट में। और मेरा ये भी है कि मैं अब टीम डेवलप करूं। अभी एक के साथ मेरा कॉन्टैक्ट है, वो भी अच्छा काम कर रही हैं, और इसके अलावा मेरी कोशिश है कि 2-3 और गर्ल्स मुझे मिल जाएं और हम टीम वर्क में काम करें। टीम वर्क में ये फ़ायदा होता है कि अगर एक को एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा, दूसरा समझा देता है, तो सक्सेस हो जाती है और आपका प्रोडक्ट भी जो आपने लॉन्च किया उसमें मतलब आपको अर्निंग आना शुरू हो जाती है। मैं प्राइवेट लेबल में मॉडल पे काम कर रही हूँ। US और UK मार्केट के मेरे पास क्लाइंट है, जर्मनी का भी थे और उन्होंने जस्ट मेरे से टास्क डिफरेंट करवाए थे, मतलब उनकी मैंने लॉन्चिंग नहीं की थी। ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग तो हो चुकी है, डिफरेंट क्लाइंट के साथ काम किया, किस तरह लॉन्चिंग करते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो रिसर्च किस तरह करनी है प्रोडक्ट से, ये सब कुछ आइडिया है। तो अब इंशाल्लाह जब इन्वेस्टमेंट हुई नेक्स्ट ईयर इटली मार्केट में, मैं अपना प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल स्मॉल स्केल पे लॉन्च करूँगी। अभी तो मैंने प्राइवेट लेबल ही सीखा है, लेकिन होलसेल का भी काफ़ी क्लाइंट होते हैं जो होलसेल के भी मिलते हैं। उसमें ये है कि आपने किस तरह ब्रांड अप्रूवल, मेन काम यही है किस तरह ब्रांड अप्रूवल लेनी है। मेरी कोशिश ये है कि अब इस पर भी थोड़ी सी लर्निंग कर लूँ। ऑनलाइन आर्बिट्राज का भी तो मतलब आइडिया है थोड़ा बहुत कि आप किस तरह स्मॉल सी इन्वेस्टमेंट में, मतलब अगर US में आप कर रहे हैं तो US से ही प्रोडक्ट लेके लॉन्च कर सकते हैं। तो जैसे जैसे क्लाइंट मिलते जाते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, तो फिर माइंड में आता है कि हम ये भी लर्न कर लें। तो अपनी स्किल्स को अब स्टॉप नहीं करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ न्यू सीखना चाहिए ताकि अगर क्लाइंट में मिले वो भी इम्प्रेस हो, अगर हम कुछ उन्हें एक्स्ट्रा बताएं वो हमें हायर कर लेते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में मैं MBA में की फील्ड में गई थी, मुझे बैंकिंग सेक्टर का बहुत शौक था, जब बैंक में जाना देखना जी एक जॉब करनी है। बाकी स्टडी में कोई इतनी मुश्किल नहीं आई, लेकिन ये हुआ है कि मैंने बाद में MBA फील्ड, बिजनेस माइंड था, MBA किया हुआ था कि बिजनेस करना है, उसी फील्ड को मैं लेके ई कॉमर्स में आई और अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अर्न कर रही हूँ। स्ट्रेंथ ये है कि अगर कुछ लर्न करना लेने का सोच लिया है तो वो करके रहती हूँ कि करना, बेशक 1 साल लग जाए, 2 साल 3 साल भी लग जाए, मैं सीख के रहती हूँ। और YouTube से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मैं लेती हूँ, डिफरेंट स्किल्स लेती हूँ, जो थोड़ा सा एक टॉपिक भी किसी से सुन लिया है कि ये क्या चीज़ है, मेरी कोशिश होती है उसकी वीडियोज़ खोल के वो सर्च करूँ। ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं सीखने की कोशिश करती हूँ। नेबलर्स अच्छा इंस्टीट्यूट है इस सेंस में कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, परेशान हैं काम के लिए, तो उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है ये नेबलर्स। साकिब ने अच्छा इंट्रोड्यूस करवाया, लाइक काफ़ी ज़्यादा स्किल्स दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़, लाइक आप फ्री लांसिंग सीख सकते हैं, अमेज़ॉन के बारे में सीख सकते हैं। इधर से जो भी स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हो चुके हैं, उन्हें कुछ काम नहीं मिल रहा, उनके पास स्किल्स हैं, लाइक स्टडी या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उन्हें भी चाहिए वो कुछ ना कुछ जिनमें उनका इंटरेस्ट है वो आके इंस्टीट्यूट से फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा नेबलर वर्क की भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अगर आप आना चाहें इधर वर्क आ सकते हैं। इधर मेंटोर की आपको सपोर्ट होती है, सीनियर्स की सपोर्ट होती है, एट द स्पॉट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। ऑडियंस के लिए यही मैसेज है कि अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो गिव अप ना करें, उसे सीखें। और इसके अलावा हाँ, मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई क्लाइंट है वो आपको चेक करेंगे, जस्ट बोल देता है कि हमें पता चला है कि $25,000 अर्न होता है पर मंथ अमेज़ॉन से इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो आप कभी भी उन्हें ये ना बोले कि हाँ जी आपको 25,000 अर्निंग हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट आप इतनी करें, आपके प्रोडक्ट इतना आपको देगा। लेकिन ऐसे नहीं, आप उन्हें यही बोलें कि जो फर्स्ट आपकी इन्वेंट्री है, जो अपनी फर्स्ट इन्वेंट्री आपकी अमेज़न वेयर हाउस में आई है, वो जस्ट आपका जो आपने जितना इन्वेस्ट किया उससे भी आपको काम मिलेगा। इस सेंस में कि जो PPC है उस पर हमने बहुत ज़्यादा स्पेंड करना होता है, PPC की वजह से ही हमारा प्रोडक्ट पहले रैंक होता है, रेटिंग वगैरह आती है। हाँ, आप उन्हें ये कह दें कि आपकी जो सेकंड या थर्ड इन्वेंट्री आपकी अमेज़न वेयर हाउस में, तब आपको
अर्निंग आना शुरू हो जाती है आपके प्रोडक्ट पे।